हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट पॉपुलर 5G स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 15,000। दोस्तों, इस टाइम पर 15,000 के अराउंड टॉप वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स बताऊंगा जिनसे आप नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर सकते हो। तीनों के अंदर 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ मल्टीपल 5G ब्रांड्स का सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको फ्यूचर में 5G के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड अनदर स्पेक्स भी इंटरेस्टिंग मिलते हैं, लाइक स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मोस्ट पॉपुलर 5G CPU, 120Hz FHD+ डिस्प्ले एंड 6000mAh बैटरी विद फास्ट चार्जिंग। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका वेट इस टाइम पर 15,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको इस प्राइस बैट के अंदर वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन परचेज करना है, देन ये वीडियो आपकी काफी हेल्प कर देगा। सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है। सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में Redmi की तरफ से, Redmi 12 5G। ये बजट सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। जिस प्राइस पर आता है ना, उस पर आपको वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 ऑफर किया गया है। 5G कैपेबल है, ओनली 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट, सिंगल चार्ज पर लॉन्ग टाइम तक बैटरी बैकअप मिलेगा। ये Snapdragon 695 के काफी सिमिलर है, 4.5 लाख के अराउंड स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, मीडियम सेटिंग्स पर जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है, और LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। 2 सिम या फिर 1 सिम, 1 SD कार्ड लगा सकते हो। 2 सिम के साथ SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसमें 6.79 इंच का FHD+ IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर कंसोल, 90Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240Hz का TSR मतलब टच सैंपलिंग रेट, और 518Hz ब्राइटनेस मिलती है। प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले ठीक ठाक मिलता है। बैक साइड में ग्लास दिया गया है विद ग्लॉसीपनेस, और ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। बैक में ही आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में 2 का यूजलेस लेंस मिलता है बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 8MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p मतलब फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिलती है इन दिस प्राइस सेगमेंट। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट इन द बॉक्स अडेप्टर आपको 22.5 वॉट का मिलेगा। बाकी इसमें IP53 की रेटिंग, 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और लिक्विड कूलिंग दी गई है। तो ये 4GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट के साथ आता है। फिलहाल ये अमेज़न पर अवेलेबल नहीं है, हो सकता है जब आप इसको चेकआउट करो तो आपको सामने ये शो करे। बट इसका जो 6+128GB वेरिएंट है, उसकी प्राइस है फिलहाल ओनली 13,499। अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो देन ये स्मार्टफोन आपको 12,500 रुपए में डेफिनेटली मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है IQOO की तरफ से, IQOO G7S 5G। ये काफी स्लिम एंड लाइट वेट फोन है। अगर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ हैंडी, लाइट वेट एंड स्लिम स्मार्टफोन चाहिए, मतलब पतला स्मार्टफोन चाहिए, देन इसको चेकआउट कर सकते हो। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है और इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 ऑफर किया गया है। 5G है, 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पौने 5 लाख के अराउंड तो स्कोर आता है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो। 695 बजट सेगमेंट का मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल CPU है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, आपको गेमिंग अच्छी खासी करा देगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। अगेन 2 सिम के साथ HD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इस फोन के अंदर 6.38 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 90Hz फास्ट रिफ्रेश सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 360Hz का TSR और 1300Hz ब्राइटनेस मिलती है। देखो, डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट मिलता है, नो डाउट बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, बट हां 90Hz से 120Hz होता तो ज्यादा बेटर होता है। और इसमें आपको वही पुराना ड्रॉप नॉच मिलता है जो आज के टाइम में आपको डिसअपॉइंट करेगा, और ये थोड़ा सा अजीब लगता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 2 मेजर कॉन्स मिलते हैं, HDR और 4K कंटेंट आप इस पर प्ले नहीं कर सकते। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद मैट फिनिश, और ये अगेन बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। बैक में ही आपको 12 कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64MP का दिया गया है विद OIS, साथ में 2 का डेप्थ लेंस मिलेगा बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 1080p 60fps मतलब 2K ऑप्शन मिलेगा, और सेल्फी कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट मिलती है, बढ़िया परफॉर्म करता है डे लाइट कंडीशन में, काफी स्टेबल फोटोज क्लिक कर सकते हो, बट हाँ अल्ट्रा वाइड नहीं है। इसमें 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक और सिंगल मोनो स्पीकर मिलेगा। दोस्तों, अगर रियलिटी बताऊं तो देखो, वीवो मतलब IQOO वीवो का एक सब ब्रांड है। ये दोनों ऐसे ब्रांड्स हैं जो ज्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर सिंगल स्पीकर ही ऑफर करते हैं। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट के साथ आता है, और इस फोन की प्राइस है 15,999, बट डोंट वरी, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 1000 ऑफ मिलेगा। आप इस फोन को 15,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है मोटरोला की तरफ से मोटो G54 5G। ये वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है इन दिस प्राइस सेगमेंट, जो नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ साथ जबरदस्त स्पेक्स ऑफर करता है। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर लेटेस्ट MediaTek Dimensity 7020 ऑफर किया गया है। 5G कैपेबल है, ओनली 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, पावर एफिशिएंट है, 5.5 लाख के अराउंड स्कोर आता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट, डे टू डे यूजेज में टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि माई UX मतलब स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है, जो बेसिकली क्लीन UI है, कोई भी एड्स ब्लॉट पर या फिर फालतू के प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को नहीं मिलते हैं। 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। दोस्तों अगर अनदर स्पेक्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.55 इंच का FHD+ IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रेप्रीसेट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 240Hz का TSR डिस्प्ले पर पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन एंड 5 ADNS ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले गेमिंग के लिए टॉप क्लास मिलता है नो डाउट, बट कंटेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट है। बैक साइड में PMMA मतलब पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद मैट फिनिश और इसको स्पेशली नाम दिया है मोटो ने 3D एक्रिलिक ग्लास। बैक में आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों ही कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक मिलेगी बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस एंड 3.5mm जैक मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टार्टिंग वेरिएंट के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 13999 सिर्फ 14,000 रुपए में, डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो ऐसे थे टॉप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन्स अंडर 15 के। होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।